हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा इंटरनेट जनरेशन से आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता हूँ। तो आज मैंने आपके लिए लाया है लैनियार्ड। तो लैनियार्ड प्रिंटिंग करना हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। ये लैनियार्ड है, हमने इसे कैसे प्रिंट किया और कितना कॉस्ट आया, और आप भी कम लागत में इतनी अच्छी प्रिंटिंग करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लैनियार्ड आई कार्ड बना के सप्लाई करके एक मोटी इनकम कमा सकते हैं। कम लागत, कम कॉस्ट और ज्यादा कमाई, ठीक है। मशीन की प्राइस कम है और प्रिंटिंग कॉस्ट कम है। मेहनत, थोड़ा सा मेहनत है और पैसे बहुत ज्यादा इसमें कमाई है। बट ये है कि आप कितना अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने रिजनेबल रेट में लोग काम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं कि कैसे इस पूरी प्रोसेस को किया जाता है। तो सबसे पहले आइए सर, आपको दिखाते हैं हम कि ये लैनियार्ड हमने जो बनाया, इसकी डिजाइन, ये लैनियार्ड डिजाइन है, आप देख रहे हैं, एक आवाज पुलिस दोस्त। तो ये जो है लैनियार्ड, आप लैनियार्ड कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये जो लैनियार्ड होता है, ये हम यूज करते हैं 20 mm का लैनियार्ड। तो 12 mm, 16 mm का भी आता है, तो हम 20 mm का लैनियार्ड बनाए। हमने डिजाइन किया इस साइज से, इससे थोड़ा बाहर डिजाइन करेंगे कि पूरा कवर हो जाए, कहीं से वाइटनेस ना दिखे। और ये होता है अपना साइज 36 इंच लंबा होता है। तो 20 mm की जगह 24 mm लेते हैं डिजाइनिंग, और 36 इंच लंबा लेते हैं। तो ये हम डिजाइन बना लिए। अब इसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं कि कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, प्रिंट करिए आर्ट सबलेमेशन प्रिंट पे। पहले अपने को पेपर चिपकाना है 36 इंच, तो 36 इंच से बड़ा हम करते हैं, A4 साइज के हम 4 पेपर चिपकाएंगे। तो पहले इसको बराबर सीट में पेपर रहना चाहिए, हम पेपर पर रखेंगे। फिर यहाँ से हम गम लगाएंगे। गम जरूरी नहीं है, आप किसी से लगा सकते हो, एडी कोल से लगा सकते हो, इससे लगा सकते हो, आपको जिससे मर्जी करे उस पर लगाओ। पर ध्यान रहे, गम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत दे। तो हम रिवर पे यहाँ रखे, इसको मिलाते हुए एक सीधे हमको लाइनिंग पे देख लेंगे। फिर हम दूसरी शीट लाइनिंग से उसको लाएंगे, आप रखेंगे, और इस प्रकार से हम इसके ऊपर छोड़ के उसे चिपका देंगे। क्योंकि यहाँ गम लग गया तो क्या होगा, कलर उस पर नहीं चलेगा। तो ऐसा चिपका चिपका के हमको 4 सीट रखना है। एक चिप किया, फिर आगे और बढ़ाते तीन सीट अपन लगा लिए हैं, एक सीट और बचा है 14 सीट लगाने के लिए। जैसे हमको दो चुप बना के रखना है प्रिंट के लिए, हमने यहाँ पर ये चिपका दिया। ये हो गया हमारा 4 शीट का पेपर। 4 शीट के पेपर को हम थोड़ी देर सुखने देंगे, उसके बाद हम एक और ऐसी बनाएंगे। पहले 2 पेपर हमको कंप्लीट करना है, तभी से प्रिंट निकालेंगे, फिर उसके बाद सबलिमिशन करेंगे। ये हमने 40-40 इंच का 2 शीट बना लिया है। रिकॉर्डिंग, ये हमने 36 इंच प्रिंट के लिए हम 40 इंच का एक फ्रेम और 40 इंच का 2 फ्रेम बना लिए, जिसमें 1 और के 4 पीस हमने लगाए हैं, और उसको ले जाएंगे प्रिंटिंग के लिए। कर रहे हैं प्रिंटिंग लैनियार्ड। लैनियार्ड यहाँ सेटिंग में जाएंगे,
लोग इसकी जबरदस्ती सॉफ्टवेयर बेचते हैं 12-12 हज़ार, कुछ नहीं करना है। अब अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में यहाँ पर से हमने इसको यूजर डिफाइंड कर दिया, यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया A4 में, नीचे बढ़ा दिया अपन 38 इंच बढ़ा के ओके कर दिए। ओके यहाँ से देखिए हाई पे कर लिए, नॉर्मल पेपर है, यहाँ से इसको भी हटा दिए हाई स्पीड को, ओके कर दिए और यहाँ से हमने प्रिंट दबा दिया, यहाँ से हमने प्रिंट दबा दिया है और इसका प्रिंट निकल रहा है, दिखाते हैं आपको। ये हमने रोल बनाया जिसको हमने चिपकाया, A4 के 4 पेपर हैं जिसको हमने चिपका के इसको रोल बना दिए, जिसमें लपेट दिए। रोल खरीदेंगे तो मार्केट में मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है, बट मैं था। और ये इसकी प्रिंटिंग चल रही है, हम आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए ये प्रिंटिंग चल रही है, हाँ इस प्रिंटिंग दोगे तो इसको मिरर इफेक्ट में देना ज़रूरी है, क्योंकि तो ये देखिए हमने वहाँ से प्रिंट दिया, प्रिंट देने बाद प्रिंट आउट हो रहा है। हमने पेपर फंसाया था, ठीक है 36 इंच की प्रिंट में हमने 40 इंच के आसपास पेपर फंसाया है। और ये आपका देखिए कितना बेहतरीन प्रिंट हो रहा है। प्रिंटिंग जब भी करते हैं आप एक बार नोज़ल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इतना लंबा प्रिंट करते हैं और प्रिंट मज़ा ना आए तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैंने गलती किया था अभी कि मैं प्रिंट करने से पहले मैंने नोज़ल चेक नहीं किया, और काफ़ी दिन से प्रिंटर मेरे से नहीं चला था तो उसमें ब्लैक कलर नहीं आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब सारा प्रिंट निकलने पता चला ओह माय गॉड ब्लैक प्रिंट ही नहीं है, तो मुझे फिर से सीट लगाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं 4 पेज ख़राब होना, इंक वेस्ट जाना कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर, कितनी प्यारी प्रिंटिंग आ रही है। तो ये सब अगर आप हमेशा चेक करते रहेंगे तो सही आएगा। तो मेरी गलती थी मैंने कि काफ़ी समय से इस प्रिंटर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अच्छा चलता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो धोखा मेरे कभी नहीं देता, ये कभी थोड़ा सा हो गया है बट वो आगे जाके सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम छोटे छोटे मशीनों में आपको बड़ा काम करना सिखाएंगे। क्योंकि हमारे पास जितनी मशीनें हैं सारे एप्सन की है, और हर मशीन में हम हर प्रकार का काम करते हैं। मार्केट में कोई काम कहीं नहीं हो पाता है तो लोग हमारे पास आते हैं और हम हर काम करके देते हैं। तो हमारे पास भी सब छोटी मशीनें हैं और हम बड़ा काम रिजनेबल रेट में करते हैं, कोई ज़्यादा किसी से पैसा नहीं लेते हैं। हाँ ध्यान ये रखिएगा, कभी प्रिंट देते हैं तो आपको पेपर में मिरर इफेक्ट देना ज़रूरी है। अगर आप सीधा सीधा प्रिंट करेंगे तो आपका जब ट्रांसफ़र होगा कपड़े पे, लेने आर्ट पे, तब वो मिरर इफेक्ट बन जाएगा। तो पहले ही आप प्रिंट आउट मिरर इफेक्ट दीजिए कि जब वो प्रिंट आउट आपका कपड़े पे जाए तो वो सीधा प्रिंट दिखे, ठीक है। ओके देखिए कितना लंबा शीट प्रिंट हो। और ये इधर देखिए पेपर ऐसा बैंड नहीं होना चाहिए, पेपर फंसना नहीं चाहिए, पेपर फंस गया तो खराब हो जाएगा। तो पेपर को आप ध्यान रखिए जब भी प्रिंट हो रहा है कि पेपर अपना सीधा चलना चाहिए। हमारे 36 इंच का प्रिंट आउट हो रहा है आपको जैसा आपने दिखाया था, और देखिए कितना लंबा प्रिंट होता है। किसी को कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं, जब भी तकलीफ हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हर YouTube वीडियो के साथ हमारा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, लैंडलाइन और वो फ़ोनपे, कोई हम चार्जेस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। बस हम आपसे यही बस बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएँ, या लोगों से नहीं करा सकते तो अपनी फैमिली मेम्बर सब्सक्राइब कराएं कि कम से कम हमारा चैनल ग्रोथ करे। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें अगर हमारा चैनल चलने लग गया तो कल हमें यूट्यूब से पैसा मिलने लग जाएगा।
और इससे क्रेडिट आपको जाएगा कि आप हमारे वीडियो को देख के सपोर्ट किए और जिसके कारण हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा चलने लगेगा। जब हम अच्छा कमाएंगे तो और अच्छी फैसिलिटी आपको देंगे। ये हमारा प्रिंट यहाँ कंप्लीट हुआ, देख सकते हैं आप। ये पेपर हमारा आउट, ये बाहर निकल गया पेपर। तो ये देखिए, हमने 36 इंच का प्रिंट आउट किया, हमने 40 इंच का पेपर लगाया। ठीक है, आपको जॉइंट भी दिख रहा होगा कहाँ कहाँ हमने जॉइंट किया। ठीक है, बोलाइएगा। और जिसमें ये लैनियर्ड जो होता है 20 mm का होता है, हमने जिसको काट के रख लिया है और इसको लगाना है इसको हमको इसमें। तो आप देखते जाइए हम क्या क्या करते जाते हैं, बस हमें लाइट चेक कर लेते हैं कि क्लियर व्यू रहना चाहिए। अब हमारा कुछ नहीं इसमें काम है, सिर्फ उसको लगाना है। अभी एक सीट और निकाल के प्रिंट कर लेते हैं। डोरी, डोरी को लोग कैसे चिपकाते हैं, मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ डोरी को लगाने का। आप सबसे पहले डोरी को जमा के रख लें सीट पे। आप कई सारे वीडियो में देखे होंगे ऐसा डोरी जमाते हैं, मगर उनकी बड़ी मशीन होती है तो डोरी का ऐसा रख के एक्सपोज कर देते हैं, मगर हमारी छोटी मशीन है तो इसका हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको जमाना है। देखिए, एक बार में 8 लैनियर्ड प्रिंट हो रहा है। आप कितना रुपए लेते हैं आपके ऊपर है, मैं तो 50 रुपये लेता हूँ एक लैनियर्ड का। तो एक बार में हम 400 रुपये की आमदनी इसमें करते हैं। ठीक है, खर्चा ज़्यादा नहीं आता बनाने में, मिनिमम 10 रुपये के आसपास खर्च आता है। तो 10 रुपये खर्च करिए। चलो बोलो। तो देखिए, हम 8 लेने 8 बनाने में हमको 80 रुपये खर्च आता है और 80 रुपये से आप 400 रुपये कमाते हैं। ठीक है, और 80 रुपये तब खर्च आता है क्योंकि आप स्टॉक बाहर से मंगाते हैं, रखते हैं, आपका भी लागत रखती है। तो हमने 8 को इसको रख दिया, तो ऐसा नहीं कि हम इसको रखें और तुरंत ही काम और वगैरह हो जाए। अब आपको लाना पड़ेगा वुड पे स्टेबलर करने वाला पिन। तो दो मिनट में लेंगे आप कहीं ना जाए। ये आ गया वुड पे स्टेबलर। ठीक है, ये ले लेना, मार्केट में 400-450 मिलता है और ये 35 रुपये की पिन। ठीक है, और ये हमेशा कभी भी इसमें लोड मत रखिए क्योंकि बंदूक की गोली टाइप काम करती है, किसी ने दबा दिया तो किसी के भी सर में घुस जाएगी। तो सिर्फ आप काम करिए, पिन वापस निकाल दीजिए। ये हमने लोड कर दिया, हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ जमा रहे हैं। तो देखिए कैसा सख्त घुसता है। ठीक है, एक, फिर दो, यही आपका इसको रिबन को मजबूत पकड़ बना के रखता है। 3-4 थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 5-6-7 और ये 8। ठीक है, 8 लगा दिए, मारे नहीं घुसा है। तो हम थोड़ी ये सहायता से पकौड़ी नहीं, तो बिजनेस से उसको मारेंगे।
पेचकस मजबूत नहीं है, ठीक नहीं। मैटर मतलब मैटर दबना चाहिए, मैटर हमको ये फ्री। तो दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर, इसको हमने बैठाया दूसरा और यहाँ पर स्टेपलर। तो ये क्या होता है, एक कान हो जाता है, एक तना हुआ पूरा। फिर हम तीसरा बैठाएंगे यहाँ पर और ये स्टेपलर। फिर हम चौथा बैठाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो हमने आठ टोक को ठोक दिया। आठ ठोकने के बाद हम क्या करेंगे, पिन को बाहर निकाल के वापस उसको इसकी जगह में डाल देंगे, क्योंकि कभी रिस्क ना लें। कोई छोटे बच्चे भी होते हैं, गलती दबा दिए, उनको लग गया या रिटर्न में आपको लग गया, तो गारंटी नहीं। अब इसके बाद आप ये हो गया, तो इसको आप ठोक लीजिए। इसी तरह ठोक लेते हैं कि अपन थोड़ी बोल रहे हैं, ठोक दिया तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ता है, कहीं पर टैक्स ऊपर नीचे कट जाते हैं, क्योंकि बराबर आपकी पिनिंग हर जगह नहीं मिल चेक कर सकते प्रिंटिंग होते होते। तो ये हाथ से कुछ जितना भी होगा जमाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं आपको लग रहा है थोड़ा सा हाथ से ऐसा कर दीजिए कि आपका टैक्स उसमें दब जाए, देखिए कहीं से कोई टैक्स दिख रहा नहीं है। अब आता है सेकेंड फिल्म के लिए, तो इस फिल्म को भी हम यहाँ से पहले काट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फिल्म रखना पड़ेगा। हमने यहाँ रखा, हम ब्रेड खोजेंगे अपना ब्रेड, उसके यहाँ से हमने इसको कटिंग कर दिया देखिए। और ये भी ऐसा ही है, हमको पहले सोचना है ये कैसा दिख रहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम इसको उठाए, उसको हम यहाँ से ऐसा लगा रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं लगा देना प्रिंट करने के लिए, सिस्टमेटिक इसको लगाना है। इसके लिए हमको इसमें टेप लगेगा, जो कि हीटिंग टेप होती है, कुछ कर लो थोड़ा। फिर आप आ रहे हीटिंग टेप, कैंची से डॉट से निकालते हैं नीचे नीचे हटा दें, तो कुछ कर लो वीडियो कैंची से डॉट, ठीक है। ये हो गया, अब सबसे पहले हम काम करेंगे इसको हम लाएंगे। ये मिल गया यहाँ पर, अब इसको हम ये देखेंगे कि फिल्म बराबर है कि नहीं है। तो देखने के लिए क्या करना है, ये देखना है ऐसा कि फिल्म बराबर है ना, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इसको बराबर पोजिशन में लाना है। ये हो गया ऐसा, थोड़ा फिल्म फैला लो, यहाँ से देख लो सब बराबर पोजिशन में है, ये बराबर पोजिशन में, और इधर ये हो गया। हमने कर लिए, अब पूरा काम हीटिंग टेप का है, क्योंकि हीटिंग टेप जो गलता नहीं है, नॉर्मल टेप हम लगाते हैं तो वो चीज़ गला देती है। हमने यहाँ किया, ये कंजूसी ना करे कि हीटिंग टेप महंगा आता है, हीटिंग टेप अगर आप बचाने चक्कर रहेंगे तो काम खराब होगा। तो जितना हीटिंग टेप बंद कर दीजिए, मैं बंद करके बोलती हूँ, तो चलो ठीक है। ये हमने यहाँ पर इतनी जगह हीटिंग टेप लगाया,
देखिए बराबर आया, और थोड़े थोड़े दूर में आप टेप मारते जाइए और वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। वैसे आपको ना पसंद आया तो स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते ना कि अरे यार स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आपको लगता है आप समझ भी आ गए बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी देखेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपके लिए बना रहे हैं और आप देखे ना देखे वो आपकी जवाबदारी है। ठीक जा रहा है स्पिनिंग, पहले मैं चिपकाने बहुत कंजूसी करता था मगर अब नहीं करता क्योंकि तो कस्टमर के काम के लिए। ये हमने कंप्लीट चिपका के कंप्लीट कर लिया, अब हमको हीटिंग मशीन आनी है, इसलिए ये हीटिंग हो गई। अब आगे का प्रोसेस चालू हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से पूरा चेयर हटाएंगे क्योंकि हमको हीटिंग करने के लिए स्पेस चाहिए। ये हमारी हीटिंग मशीन, इसको हमने चालू कर दिया। अब ये डिजिटल है, लोगों के पास आपका मैनुअली दिखता होगा, हमारा डिजिटल है। यार्ड सेट है 240 है ना टाइमिंग, और यहाँ पर 250 उसका वो रहेगा। तो अभी ये हीटिंग कर रहा है, हीटिंग करने के बाद ब्लीपिंग करेगा, ब्लीपिंग करने के बाद हम इसमें सीट बैठाएंगे, एक्सेलरेशन करते हैं, इसको करते हैं लेनेट को। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको लगाया और हमने इसको रखा सेंटर पे और इसको टेफ्लॉन को रखना जरूरी है, नहीं तो जलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसको हम पूरा घुमाएंगे, घुमाए स्विच रखे और इसको दबा दिए। ये इसकी हीटिंग होती है प्रोसेस, पूरा हीटिंग हो गया उसको। ये देखिए टाइम दिख रहा है, हीटिंग सेल्सियस दिख रहा है, 198-200 आता है। 250 सेकंड का हमने टाइमिंग दिया, 250 सेकंड पे अच्छी क्वालिटी आती है। ठीक है, ये तो चल रहा है, टाइमिंग चलने देते हैं हम। ये ऊपर सपोर्टिंग पेपर हम लगाते हैं कि टेफ्लॉन तक प्रिंटिंग ना पहुंचे। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं, सारे टेप निकल गए ना। अब ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया है, देखिए कितनी जबरदस्त प्रिंट। तो ये पूरी ट्रांसफर इस फिल्म से उस लोरी पे चली गई पूरी प्रिंट, तो आप देख सकते हैं इससे उस लोरी में पूरी प्रिंट चली गई है, कहीं से कुछ नहीं बचा है। और इतनी जानदार प्रिंटिंग मुझे नहीं लगता कोई छोटी मशीन आप दे सकता है, ना किसी पता होगा। तो ये आप देखिए बेहतरीन प्रिंट, बहुत बेहतरीन क्वालिटी। अब हमको क्यों आया ये आप समझ गए हैं कि जब हम इस पे स्टेपलर मारते हैं वुडन स्टेपलर, तब इससे तनाव बनता है और एक प्रॉपर लेवल पे रहता है। उसके बाद हीटिंग टाइमिंग मेन इम्पॉर्टेंट है कि हीटिंग टाइमिंग बराबर है तो आपका कलर एकदम परफेक्ट इसमें आएगा। अगर आप चाहेंगे कि 100 सेकंड में हीटिंग करके निकाल दें तो कभी आपका वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए 250 सेकंड में ये पूरा हो जाता है। इसमें एक डिजिट कम है। अब ये पूरा लेनियर्ड बनकर तैयार हो गया जो कि हमने दूसरे को दिखाया। तो कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से लेनियर्ड दिख रहा है,
देखेंगे कितना प्यारा बेहतरीन कलर, 10 रुपये कॉस्ट में आप लेनेट बनाइए, 50 रुपये में सेल आउट कीजिए। कोई अगर कम पीस मांगता है 100 पीस से 100 रुपये लीजिए। तो इस प्रकार से इसकी रेट आप खुद तय करिए कितना देना है, क्योंकि लोग 100 पीस से नीचे नहीं बनाते, हम इसको जितना पीस बोले उतना पीस बना के देते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल इंटरनेट जनरेशन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मौका दें।